हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और देश के लोग राममय हो रहे हैं और राम जी का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष है कि इस मूवमेंट को लेट डाउन करना चाहता है। आपको बता दें कि राम मंदिर और अस्पताल के संबंध में विपक्ष द्वारा टिप्पणी की गई थी, जिस पर विज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए इनका नाश होने वाला है, इसलिए राम जी इनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल अपनी जगह है और मंदिर अपनी जगह, इनको आज तक इस बात में अंतर समझ नहीं आया। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए इनका नाश होने वाला है, इसलिए राम जी इनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवा रहे हैं। अस्पताल अपनी जगह, मंदिर अपनी जगह, इनको आज तक ये अंतर समझ नहीं आया। ये तो केवल लेट डाउन करना चाहते हैं इस मूवमेंट को, और जबकि लोग अब पूरी तरह से राममय हो चुके हुए हैं और लोग राम का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर तैयारियां हो रही हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया था कि भाजपा विपक्ष को जेल में बंद कराकर चुनाव कराना चाहती है। इस पर विज ने कहा कि संजय राउत ने सारे चुनाव खुद देखे हैं। भाजपा के समय में खुला माहौल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले हमने देखा है कि ये कांग्रेस वाले पुलिस लेकर हमें पकड़ लिया करते थे, अब तो ऐसा नहीं है और पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। अब संजय राउत जी ने देखे हैं सारे चुनाव, खुद देखे हैं, और जितना खुला माहौल भाजपा के समय में दिया जाता है, पहले तो हमने देखा, ये तो आगे हमें पकड़ लिया करते थे कांग्रेस वाले पुलिस लेके, अब तो ऐसा नहीं। तो पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।